नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर प्रॉपर्टी ब्लॉग पर। दोस्तों, आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो में चीज़ समझाई थी कि हम जो प्रोजेक्ट चालू करने वाले हैं ईएमआई पे प्लॉटिंग का, तो उसके बाद काफ़ी लोगों के मेरे पास कॉल आए जिन्होंने मेरे से एक कॉमन क्वेश्चन करा, सर ये प्लॉट कहाँ पर होने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि अभी जगह डिसाइड नहीं हुई है प्रॉपर कि ये जगह कहाँ पर होगी, ये भाग्य विहार जैन कॉलोनी होगी या फिर प्रवेश नगर होगा या फिर योगी राजपुरम होगा या फिर आसपास की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं कौन सी जगह पर होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो भी कॉलोनी होगी भरी हुई बसावट कॉलोनी के बीच में ये कॉलोनी होगी, ये कोई भी नई कॉलोनी नहीं कटेगी, ये भारी बसावट के बीच में कोई जगह होगी वहाँ पर आपको ये प्लॉट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, लोगों के जो कॉमन क्वेश्चन थे, सबसे छोटा प्लॉट कितने गज का होगा। तो दोस्तों, सबसे छोटा प्लॉट जो होगा वो मिनिमम 25 गज का होगा, 25 गज से हम शुरू करेंगे। और जो शुरुआती कीमत हमने डिसाइड करी है दोस्तों, ये थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपने लास्ट वीडियो में बताया था, 19,000 रुपये गज, मात्र 19,000 रुपये गज से ये प्लॉट चालू हो जाएंगे और आपकी बजट में आ जाएंगे, वो भी ईएमआई पर। तो आप 25 गज का भी ले सकते हैं अपनी बजट के अकॉर्डिंग, 50 गज का भी ले सकते हैं। अब दोस्तों, लोगों के क्वेश्चन एक और थे कि सर प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से हमें ये करना पड़ेगा। दोस्तों, जिस दिन हम आपको कॉल करेंगे लॉकडाउन के बाद, जब हम आपको कॉल करेंगे, कॉल करके हम आपको अपने ऑफिस पे विज़िट करने के लिए बुलाएंगे, विज़िट करने के बाद आप साइट देखेंगे, साइट देखने के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको यहाँ पर प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो कितना बड़ा लेना चाहिए, कितना आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है। जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करेगी, आप टोकन अमाउंट छोड़ के अपना प्लॉट बनाएंगे, प्लॉट बनाने के बाद और बाकी हम ईएमआई की जो बात है वो सामने बैठ के ऑन टेबल डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जो मैं अब आपको बात करने वाला हूँ कि कॉलोनी भरी हुई थी, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, प्राइसिंग मैंने आपको बता दी है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। एक जो सबसे कॉमन क्वेश्चन था और जो कि जायज़ क्वेश्चन मुझे लगा कि सर क्या कॉलोनी पास होगी, तो हाँ जी दोस्तों, कॉलोनी बिल्कुल पास होगी और सारी चीज़ें होंगी। दिल्ली जल बोर्ड का पानी होगा, नालियाँ होंगी, टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की लाइट होगी, ये सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है उस कॉलोनी में। पक्की नालियां होंगी गवर्नमेंट के थ्रू, पक्का पानी होगा गवर्नमेंट के थ्रू और पानी डेली आया करेगा, डेली सुबह जो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम है, कभी एक दो घंटा आगे हो जाता है, कभी एक दो घंटे पीछे हो जाता है, लगभग 9 से या 11-12 बजे तक यहाँ पर पानी आ जाता है, तो डेली पानी आएगा और डेली लाइट यहाँ पर 24 घंटे रहती है। अगर कभी कोई गलती से पावर कट हो गया तो हो गया, वरना उसके अलावा कोई यहाँ पर लाइट का ऐसा इशू नहीं है, 24 घंटे बिजली यहाँ पर रहती है। और नालियाँ पक्की रहने वाली है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था सर कि क्या ऐसी जगह पर कॉलोनी तो नहीं होने वाली जहाँ पर हमें वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो, तो हाँ दोस्तों, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी पक्की कॉलोनी में आपको ये जगह मिलेगी, मात्र 19,000 रुपये गज से चालू हो जाएगी और इसको आप अपने आगे तक बना सकते हो, आप टोकन मनी दे के बना सकते हो और फिर आसान किस्तों पर आप इसको पे कर सकते हो। तो दोस्तों, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मिलते हैं साइट पर। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा था तो पिछला वीडियो जाके देखिए, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि क्या क्या सुविधाएं हमारे पास होने वाली हैं अपनी जगह पर जहां पर हम आपको ईएमआई पे प्लॉट देने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको और कुछ पूछना हो या फिर और कुछ डिस्कस करना हो प्लॉट के रिगार्डिंग, तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर क्लिक करो आप, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक भी दिया हुआ है, आप जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप पर आ जाओगे और मेरे को आप मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और मैं आपको खुद कॉल बैक करूँगा लॉकडाउन खुलने के बाद। एक बार आपको लॉकडाउन खुलने से पहले भी कॉल बैक किया जाएगा और लॉकडाउन के बाद भी कॉल किया जाएगा साइट विजिट कराने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।